हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है और चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले नागर सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मुझे बनाने के लिए सपोर्ट किया कि आप इसको बनाइए और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आप आज मेरे से पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। ये टॉपिक अपने 5 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार ट्रिक से इसको याद किया जा सकता है। देखिए, मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य इनको याद करने के लिए मैं आपको शॉर्ट तरीक बताऊंगा। अपने 5 या 6 मिनट की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। देखिए, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में लिखे गए हैं। भाग 4 क कर्तव्य आप याद रखेंगे। अनुच्छेद अगर याद करने आपको तो याद करना 51 क में लिखी गई ये बात है। और कब जोड़े तो याद रखना 42वां संशोधन 1976 में हुआ। 4 और 2 6 होते हैं क्षेत्र में, और उसमें इंदिरा जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की। और 4 और 6 10 शुरुआत में कितने जोड़े गए? 10। इसके अलावा एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इसके तहत एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसका नाम है शिक्षा का कर्तव्य। और इसमें लिख दिया गया प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। तो वापस रिपीट कर देता हूँ, मूल कर्तव्य भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क और 42वां संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उस समय ये हुआ। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर? तो 2 समितियों के नाम आप याद रख सकते हैं, एक स्वर्ण सिंह समिति का नाम, स्वर्ण सिंह समिति, और एक वर्मा समिति। देखिए, वर्मा समिति 1999 के आसपास में बनाई गई थी मूल अधिकारों का, मूल कर्तव्यों को स्टडी करने के लिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ दिए गए। मूल कर्तव्य बाध्यकारी है या नहीं, लागू होंगे कि नहीं होंगे, क्या पनिशमेंट होगा इसके लिए, इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा नहीं है, स्थार संविधान मौन है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने तो केवल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश करी थी, केवल 8 मूल कर्तव्यों की, पर इसके अलावा इंदिरा जी ने 2 मूल कर्तव्य और जोड़ दिए। इसके अलावा टैक्स जैसा सब्जेक्ट जोड़ने की सिफारिश भी करती स्वर्ण सिंह समिति ने कि कर चुकाने जैसा मूल कर्तव्य जोड़ा जाना चाहिए, पर उसको कंसीडर नहीं किया गया। ये तो आप लोगों को पता भी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मूल कर्तव्य 10 या 11 जो आपको याद करने हैं उनकी ट्रिक क्या है। तो देखिए, नंबर 1 जो मूल कर्तव्य है, नंबर 1 याद रखेंगे, अपने देश का झंडा ध्वज एक होता है। तो राष्ट्र ध्वज, ध्वज जिस भी मूल कर्तव्य में आए, आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, एक मूल कर्तव्य लिख के देगा, कहेगा कौन से नंबर का बताओ, तो याद करना ध्वज, झंडा किसी भी देश का एक ही होता है, एक झंडा, इसका मतलब तो ध्वज है, ध्वज वो एक है। इसके अलावा याद रखना 2, देखिए 2 में हृदय है, हार्ट है, दिल है, हृदय, और हार्ट या दिल का काम तभी पड़ता जब 2 मिलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे नंबर पे हृदय लिखा गया है, हार्ट लिखा गया है, तो जिस भी मूल कर्तव्य में आपको ये हार्ट शब्द मिले वो दूसरे नंबर का होगा। एक आपको याद करना तीसरा, 3 को ऐसे याद करना संप्रभुता, संप्रभुता। देखिए, इसका मतलब ये है कि राज्य के लिए कुछ असेंशियल तत्व हैं। ये RS परी में पूछा गया था, RS परी में, कि संप्रभुता कौन से नंबर का है, या आपको केवल बिना ट्रिक के एक याद करना है, तीसरे नंबर का, जिसमें संप्रभुता लिखा गया है। इसके अलावा चौथा जो मूल कर्तव्य, 4 को मैं त्यार लिखता हूं, त्यार और चार मिलते जुलते हैं, त्यार लिखो या चार लिखो, आपको हमेशा किसके लिए तैयार रहना चाहिए, सेवा के लिए। तो जिस भी मूल कर्तव्य में सेवा शब्द आता है वो चौथे नंबर का होगा। 5वें नंबर का मूल कर्तव्य कैसे याद करेंगे आप, अगर थप्पड़ पड़ेगी, मतलब 5 पे थप्पड़ पड़ जाएगी अगर महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो महिला वर्ड जिसमें आ जाए, महिलाओं का सम्मान जहाँ पे आ जाए, महिलाओं का सम्मान ये जहाँ पर भी आता है महिलाओं का सम्मान, वो 5वें नंबर का मूल कर्तव्य होगा। 6ठा जो मूल कर्तव्य, नंबर 6, आप ऐसे याद करें कि कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट के ग्राउंड में 6 लगा दे तो उसका गौरव बढ़ जाता है, तो 6ठे पर क्या आएगा, गौरव आएगा, गौरव। तो जिस भी मूल कर्तव्य में गौरव शब्द हो 6ठे नंबर का होगा। इसके अलावा याद कर सकते हैं 7 को आप 7 से याद कर सकते हैं, 7।
तो या तो सात लिखो या सात लिखो, बात एक ही है, नदी झील, नदी और झील साथ साथ में रहती हैं, तो जिस भी मूल कर्तव्य में नदी और झील शब्द आ जाए वो सातवें नंबर का होगा। आठ, जिसके घर में वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक, उसके ठाठ हो जाते हैं, ठाठ ठाठ। इसका मतलब आठवें नंबर का मूल कर्तव्य किससे संबंधित है, वैज्ञानिक को संबंधित है, जिसमें वैज्ञानिक शब्द आए, साइंटिफिक टेम्परामेंट है वैसे तो, वैज्ञानिक वर्ड आए वो आठवें नंबर का है। नो को आप ऐसे लिखो, नो नो, क्या नहीं करनी चाहिए आपको, हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो जिसमें भी हिंसा शब्द आता वो नौवें नंबर का होगा। इसके बाद दस सबसे अंतिम का है, शिक्षा वाले को छोड़कर दस सबसे ऊपर है। उत्कर्ष एक शब्द होता है जो सबसे ऊपर के लिए यूज किया जाता है, तो उत्कर्ष दसवें नंबर पर है, उत्कर्ष दसवें नंबर पर। और एक और एक मिलकर ग्यारह तब होंगे जब आपके पास में शिक्षा हो जाएगी, तो शिक्षा वाला कितने नंबर पर है, ग्यारह नंबर पर। अब मेरे साथ आप बोलिए एक बार, नंबर एक याद कीजिए, एक में क्या, झंडा, ध्वज, ध्वज एक होता है। दूसरा बोलिए, दो रधे। तीसरा बोलिए, संप्रभुता। चौथा बोलिए, चार या त्यार, त्यार किसके लिए, सेवा के लिए, तो सेवा चौथे नंबर का। पांचवें में थप्पड़, मतलब महिलाओं का सम्मान। सिक्स में खिलाड़ी सिक्स लगा देगा, उसका गौरव बढ़ जाएगा। सात में साथ साथ, नदी और झील साथ साथ चलती है। आठ, आठ में मतलब ठाठ हो जाएगा, कब हो जाएगा ठाठ, जब किसी के घर में वैज्ञानिक होगा। नो क्या नहीं करनी चाहिए, नो हिंसा नहीं करनी चाहिए। और दस में उत्कर्ष और ग्यारह में शिक्षा। देखिए ये आपको मैंने याद करवा दिया है, इसके अलावा कुछ टॉपिक मैंने और भी बनाए हैं कुछ ट्रिक के साथ, और लगातार बनाता रहूँगा इस पर, जो जो आपको टॉपिक चाहिए। इसके लिए एक मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया, सर ने कहा कि यूट्यूब चैनल आप शुरू करके कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, डालिए ताकि बच्चों को फ़ायदा हो जाए। जीके महेश भास्कर, मैं इसमें लिख देता हूँ, जीके महेश भास्कर, महेश भास्कर, आप इस चैनल को भी अगर सब्सक्राइब कर ले तो ठीक रहेगा, ताकि मैं उस पर और क्लासेस डालता रहूं। जीके महेश भास्कर ये है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कुछ और क्लासेस भी इस पर मैं अपलोड करता रहूं। कई सारी क्लासेस पे पड़ी भी हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसमें जो क्लासेस हैं वो हैं ट्रिक के साथ, आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद में।